गुड मॉर्निंग गाइस, ये राइनो है। देखो कुछ पता लग गया कि ये मोबाइल पकड़ा हाथ में भी जाने वाला है। और ये है हमारा रोजू, रोजू जो अब उठ ही नहीं रहा। उठ के कैमरे के सामने कैमरा देख के उठ गया रोजू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैंने हल्के हल्के बादल के ट्रेसेस हैं, हो सकता है अब इस वीकेंड तक कुछ बर्फबारी कुछ बारिश हो जाए। बहुत खुश्क ठंड पड़ रही है अभी तक, जब बारिश या बर्फबारी हो जाएगी थोड़ा सा ठंड कम हो जाएगी। चलो चल रोजू, चलो आ जाओ जल्दी आ जाओ। आप देर सवेर भले ही उठ जाओ बट मॉर्निंग में आपको वॉक करने आना ही होगा। हाँ, अगर बारिश बहुत हो तब हम स्किप करते हैं, अदरवाइज ये स्किप करने नहीं देते। रोजी तो चलो, रोजी देखो यहाँ यहाँ से कम 100 मीटर की दूरी पे है, 100 फुट की दूरी पे है, वहीं पे खड़ी हो गई है कि अगर रास्ता यहीं से वापस है। लेकिन ये जो डॉगी है ये बिना वॉक के नहीं रहता, इसको मॉर्निंग में आना ही आना है। ये कब से तंग कर ही जा रहा है कि उठो चलो सुबह हो चुकी है, इसका डेली रूटीन है। 6 बजे तंग करना लग जाएगा कि चलो टाइम हो गया, 6 o'clock पे उठेगा, फिर इधर उधर अंदर बाहर दोनों कमरों में घूमता रहेगा, आवाज़ें करता रहेगा, हमें देखता रहेगा। जब तक हमारी आंख नहीं खुली हमारे बेड के ऊपर दो अगले पंजे रख के देखेगा कि देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। हमें पता लग जाता है कि घूम रहा है, हम आँखें बंद रखते हैं। जैसे ही आँखें खोली, आँखें मिली इससे, उसके बाद नहीं फिर बक्सता, फिर चलो भी उठो। ये कहाँ चला गया, ये इसकी वजह से हम भी थोड़े हेल्दी रहते। आगे आगे चला हुआ दौड़ा हुआ आगे से वापस आ रहा है। अगर हम सुबह सुबह 2-2.5 किलोमीटर की अगर हम वॉक करते हैं तो राइनोस का लगभग 1.5 गुना तो करता ही है, क्योंकि ये आधे रास्ते से वापस आता है, फिर चलता है, फिर वापस आता है, फिर चलता है। तो कहाँ पहुँच गया, बोझल हो गया आंखों से। हमारा मंदिर है यहाँ पे, सुबह सुबह भजन लगे होते हैं बहुत प्यारे प्यारे। मेरा मोटा भालू क्या बोल रहा है, मोटा भालू आजकल थोड़ा सा पतला हो गया हुआ, पता नहीं डाइटिंग कर रही है क्या कर रही है। हैं आज आज भालू आज कलर रेड हो गया तेरा, ब्लैक से रेड हो रही है। आज मेरे बच्चू आज जल्दी कम कम। यहाँ आसमान हमेशा बहुत नीला होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर का फ़र्क है, यहाँ पेड़ पौधे बहुत हैं, पॉल्यूशन नाम मात्र है, यहाँ पे बहुत प्यारा मौसम रहता है। चलो चलो सब, आज ज़्यादा वॉक नहीं करेंगे, आज वैसे भी लेट उठे हैं, आज लगभग 8 बजने वाले हैं तभी आए थे। बट 8 बजे उठो, 9 बजे उठो, चाहे 10 बजे उठो, वो वॉक करवाना ही पड़ता है। आज ही बहुत टाइम बाद 8 बजे उठा, अदरवाइज तो 6-7 बजे उठ जाते हैं। ये पक्षियों की चहचहाट सुबह कुछ बहुत ही ज़्यादा होती है। ये चलो चलो घर वापस चलेंगे। चलो चलो चलो, साइड से रोजी, साइड हो जा, गाड़ी आ रही है, साइड हो जा, साइड। चलो about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going wrong with all the chemicals up in my brain, all the-
आज हमारे मित्र का ट्रीटमेंट हो रहा है, उस्ताद जी बताएंगे क्या दिक्कत है। यहाँ भी आती दोनों साइड ना, यही बीच में आती, बस यही आती इतने एरिया थोड़ा सा। अच्छा इसे ही में और ये खांचे बन गए। अच्छा ये अच्छा नॉर्मली नहीं टेंशन लेनी है, सिर्फ कपिंग को ही कट लगना। तो भैया होते गए यहां से। अच्छा ऊपर करो गर्दन उठाओ थोड़ी, ये देखो ये हड्डी ना आपकी अंदर बिंगी होने लगी, ये अंदर की तरफ ना, ये देखो ताही नहीं, आप जब सीधे उठते हैं ना तभी दर्द होती है आपको, मतलब ऐसे लेट के नहीं होती, ऐसे होती हाँ, बस ये फंस जाते हैं, छोड़ दो ऊपर तक नहीं। हाँ नहीं तो मेरे जब चढ़ाते तो मेरे नहीं इतना होता। अभी भी जो दर्द पेशेंट मैं ओबीसी के तो पूरे ऊपर पेट तक लगा दिए ना, आपको वीडियो देख रहा था पता लगेगा, नहीं तो ऐसे तो तेरे को नहीं पता लगना था। अपना लूज बस कुछ नहीं, लाइन दिखा दो और जैसे हाँ कट्ठा है इतना। हाँ थोड़ी थोड़ी मुड़ते रहो, जो भी पकना जा रहा ये हाँ ऐसे सांस लेके छोड़ो, छोड़ो सांस लेके छोड़ो, लंबा सांस लेके